छत्तीसगढ़ में मंगलवार को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन सभी की जो नजर है उन दिग्गजों पर है जिनके साथ पार्टियों का भविष्य भी दांव पर लगा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रमन सिंह, लता उसेंडी, महेश गागड़ा, केदार कश्यप, मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम, दीपक बैज और कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण में ये वो दिग्गज चेहरे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दांव पर लगे हैं। बस्तर की 12 सीटों समेत 20 विधानसभा में मंगलवार को वोटिंग होने जा रही है। इन 20 सीटों पर 223 चेहरे मैदान में हैं, लेकिन सभी की नजर उन खास चेहरों पर होगी जिनके साथ पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा है। इन इलाकों में पिछला चुनाव बीजेपी के लिए कुछ खास नतीजे लेकर नहीं आया था। बीजेपी के लगभग सभी बड़े चेहरों के बीते चुनाव में हार हुई थी और सिर्फ पूर्व सीएम रमन सिंह और दिवंगत नेता भीमा मंडावी को जीत मिली थी। मौजूदा स्थिति में 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेस एक बार फिर से दिल जीतने की बात कर रही है तो बीजेपी फिर से अपना गढ़ हासिल करने की बात कर रही है। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में। कांग्रेस गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है और इस कारण कांग्रेस की विजयी होगी। भविष्य सबका उज्ज्वल है। कांग्रेस पार्टी पूरी पूरी सीटों पर जीत रही है, 12 सीटों पर हम जीत रहे हैं। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके कार्यकर्ता को टिकट देती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और बाकी ये हो अलग, ये आप लोगों का विषय है कि वो मंत्री थे या कोई बड़े थे, हमारे लिए सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और प्राणपण से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि जो चेहरे हैं वो जरूर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ प्रशासन के सामने नक्सल चुनौती होगी तो दूसरी तरफ जनता को पोलिंग बूथ तक लाने की मुश्किल। इलाके के वोटिंग ट्रेंड बताते हैं कि वोट पंडुम यानी कि लोकतंत्र के त्योहार को जनता पूरे उत्साह के साथ मनाती आई है। पहले चरण का मतदान चुनावी फिजा को तय कर देता है और इस बार भी चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होगा ये बस्तर और राजनांदगांव की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।